top four situation. That's one way to PUBG गेम जो सबसे पहले एक ही प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज़ किया था, अब वो दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। और गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स और PUBG की फुल फ्लेज कहानी जाने वाले कि PUBG की ये सक्सेस स्टोरी कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ PUBG के बारे में। तो गाइस, अगर आप एक PUBG लवर होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर पूरे से पूरे एंड तक देखना। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो आप भाई साहब कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छे से मिस कर दोगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले बस मैं कुछ थोड़ा सा एक चीज़ बताने की, गाइस मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि गाइस ये वाली वीडियो को मेरे को बनाने में बहुत टाइम लगे, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी और भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी गाइस, क्लिप्स इकट्ठा करनी पड़ी, तो इसलिए गाइस और एडिटिंग में टाइम लगे। मेरे पास कुछ स्पेशल रिसोर्सेज भी नहीं है लाइक PC ना कुछ, मैं सिर्फ अपने मोबाइल से इसे एडिट किया है। तो गाइस, अगर थोड़ा सा भी मतलब कुछ ज़्यादा आपको गलत लगे और या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो गाइस प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, और भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं हमारे PUBG मोबाइल की कहानी को। सो गाइस, PUBG दिसंबर 2017 को PC और Xbox के लिए रिलीज हो गया था, और मोबाइल वर्जन इसका फरवरी टू मार्च के बीच में आया था, और इसके कुछ ही मंथ्स आने के बाद ही गाइस ये नंबर वन पे पहुंच गया हमारे प्ले स्टोर के ग्लॉसरिंग पे। तो गाइस, और इसके इतने पॉपुलर होने की एक वजह है इसका ये इंटेंस गेम प्ले। तो गाइस, इसको जीतने के लिए गाइस आपको लक का भी बहुत ही ज़्यादा मतलब काम रहता है, और आप अगर आपने खेला होगा तो गाइस आपको सब पता ही होगा। तो गाइस, जो लोग गेम खेलना पसंद नहीं करते थे गाइस, वो तक इस गेम को खेलने के लिए गाइस मर रहे हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों के पास 1GB लो एंड डिवाइस रहता है, वो खेल नहीं पाते हैं, तो इसलिए। तो गाइस, आगे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि गाइस मैं आगे की वीडियो में मैं आपसे क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि PUBG कैसे पैसे कमाता है, और हर महीने गेम को बनाने वाली कंपनी ब्लू होल कितना पैसा कमा लेती है, और गेम के वेपन से लेकर गेम के मैप से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। PUBG अब तक कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है और कितने नए बना चुकी है, और गेम से जुड़े सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। PUBG बेटर नोन एज प्लेयर नोन बैटल ग्राउंड, ये गेम इंस्पायर्ड एक जैपनीज मूवी बैटल रोयाल से, जहाँ पर आइलैंड पर स्टूडेंट्स को वेपन खाना के साथ छोड़ दिया जाता है, और आखिर तक सर्वाइव करने वाले बंदे वो ही जिंदा बचकर आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। PUBG में मिलने वाले कई वेपन्स और प्लेसेस इस फिल्म में बताए गए हैं, जैसे क्रॉसबो, पिस्टल, सिकल, मैप का साइज भी मूवी से इंस्पायर्ड है। आज जो हम PUBG खेल रहे हैं वो शायद ऐसा कभी नहीं होता अगर इस गेम के क्रिएटर ब्रैंडन क्री मूवी को नहीं देखते। ब्रैंडन क्री AKA प्लेयर नोन, PUBG का फुल फॉर्म है प्लेयर नोन बैटल ग्राउंड, यानी प्लेयर नोन की युद्ध भूमि। प्लेयर अननोन बल्कि कोई नहीं, इस गेम के क्रिएटर ब्रैंडन क्री ही हैं। ब्रैंडन ग्रीन बैटल रॉयल गेम और शूटिंग गेम्स को पहले से ही बहुत पसंद करते थे। शुरुआत में ये PUBG की तरह ही आर्मा नाम का एक गेम खेला करते थे। इस गेम में बाय डिफॉल्ट प्लेयर वन नाम दिया जाता था, जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ब्रैंडन ने ही इस गेम में अपना नाम प्लेयर वन से बदलकर प्लेयर अननोन रख लिया, क्योंकि ये ज़्यादा कूल था। PUBG गेम को बनाने वाले ब्रैंडन ग्री अपने आप को कभी भी एक हार्डकोर प्लेयर बिल्कुल नहीं बताते। ब्रैंडन आयरलैंड के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने कॉलेज में फाइन आर्ट सीखा और बाद में एक वेब डिज़ाइनर बन गए, और इन्होंने साथ में ही प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी सीखी। अच्छे एक्सपोजर की तलाश में ब्रैंडन घर में ही गेम खेला करते थे, और यहीं से इनका गेम और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट जागा, जिसके बाद इन्होंने गेम मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। 2013 में इन्होंने आर्मा 3 के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि PUBG की तरह एक हाई ग्राफिक्स ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम है। फिर उसके बाद इन्होंने सोनी कंपनी के गेम किंग ऑफ द किल
गेम के साथ काम करना शुरू किया और काफी समय तक इन्होंने सोनी कंपनी के साथ ही काम किया और बाद में इनके करियर ने स्पीड जब पकड़ी जब इन्हें ब्लू होल कंपनी के सीईओ जेन हान किम के ईमेल आया जो पिछले 10 साल से अपना खुद का बैटल रॉयल गेम बनाना चाहते थे और वो ब्रेंडन के आर्मा 3 और किंग ऑफ द किल के काम से इम्प्रेस थे। अच्छा मौका देखते ही ब्रेंडन ने हमेशा के लिए साउथ कोरिया जाने का फैसला किया। फिर शुरुआत हुई पबजी गेम बनाने की। ब्रेंडन पहले भी बैटल रॉयल गेम के साथ काम कर चुके थे और वो सारे बैटल रॉयल और शूटिंग गेम्स की कमजोरियां जानते थे, इसलिए उन्होंने पबजी में ये सारी कमजोरियां और मिस्टेक से दूर रख के बहुत सारी नई नई और इंटरेस्टिंग चीज़ों को ऐड किया। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे इरेंगल मैप के बारे में। पबजी का इरेंगल मैप ब्रेंडन ने खुद डिजाइन किया है। इरेंगल का नाम आयरिश वर्ड आयरिन से लिया गया है जिसका मतलब आयरलैंड और आयरिश होता है और ब्रेंडन की बेटी का नाम भी एरिन है। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि इस मैप को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस मैप से एक कहानी भी जोड़ दी गई। वो ऐसी है कि आयरलैंड पर वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी समय में सोवियत आर्मी ने कब्जा कर लिया था, जहां पर वो अपनी खुफिया रिसर्च के चलते केमिकल और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। बाद में जब यहां के लोगों ने सोवियत यूनियन की आर्मी पर हमला किया तो ये पूरी तरह एक खंडर की तरह बन गई। इसलिए गेम खेलते समय आपको बंद बस, फूटी गाड़ियाँ, टूटा घर, मशीनरी, मिलिट्री बेस और फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं पबजी के ब्लू जोन के बारे में। पबजी गेम का ब्लू जोन जो धीरे धीरे छोटा होकर सबको पास लेकर आता है। शुरुआत में ये सर्कल की जगह स्क्वायर रखा जाने वाला था, लेकिन स्क्वायर शेप प्लेयर्स को समझने और सर्वाइव करने में आसान होता और स्क्वायर जोन के प्रोग्रामिंग और भी बहुत सारी दिक्कतें की वजह से इसे फाइनली रहने दिए कि इसके अब मतलब इसे सर्कल ही रखा, मतलब स्क्वायर से हटा के इसे सर्कल ही कर दिया, जिससे ये और भी थोड़ा डिफिकल्ट और प्लेयर को समझने में थोड़ी दिक्कत भी हुई और ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा था हमारे गेम के साथ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो जोन की लेयर है या तो ये पॉइजनस गैस है या तो ये एक एनर्जी फोर्स है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब सोवियत आर्मी का इस आइलैंड पर कब्जा था तो जब घुसपैठियों को वो भगाने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते थे, वो बड़ी मशीनों के ज़रिए पूरी ज़मीन में इलेक्ट्रिक करंट को फैला देते थे और ब्लू जोन की बिजली का करंट जो आप आज देखते हैं वो भी यही है, धीरे धीरे जो पूरे मैप में फैलता जाता है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे अंडरग्राउंड एरियाज के बारे में। तो गाइस शुरुआत में पबजी में कोई अंडरग्राउंड टनल जैसी कोई जगह ही नहीं होती थी, लेकिन लॉन्च होने के कुछ ही महीने पहले इसे ऐड कर दिया था। ये जो आइडिया था वो भी ब्रेंडन के ही दिमाग से निकला था। पुराने समय में जब डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन के लिए काम करते थे, जो हमारे ब्रेंडन, जब भी वो गेम में इस तरह की टनल बनाया करते थे, क्योंकि टनल के अंडर जाने पर गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसलिए उन्होंने पबजी में भी टनल को ऐड किया, जो आपको गेम खेलते समय दिखी जाती होंगी, जो पबजी पीसी, पबजी मोबाइल सब में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो गाइस अब मैं वो एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको देखने के लिए हर एक पबजी मोबाइल प्लेयर रोज गेम खेलता है और जब उसे वो सेंटेंस दिखता है तो गाइस उसके खुशी का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर रहता है। तो गाइस उस वर्ड उस सेंटेंस का नाम है द विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस जैसे कि आप मैंने आपको बताया, तो गाइस अब इसी के बारे में हम कुछ बात करने वाले कि ये कहाँ से आया और ये क्या है।
विना विना चिकन डिनर बैटल ग्राउंड्स का विक्ट्री मैसेज है, जिसे सुनने और देखने के लिए प्लेयर बहुत बार गेम खेलते हैं। हालांकि PUBG ऐसा पहला गेम नहीं है जिसमें ये पहली बार ऐसा मैसेज नज़र आता हो। ब्रेंडन जिस गेम में भी पहले काम कर चुके हैं, चाहे वो आर्मा 3 ये सब गेम हो, उनमें भी ये मैसेज देखने को मिल ही जाता है। और बाहर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में बात करें तो ये पहले के समय में जब चेस खेला करते थे बहुत सारे लोग, तो जब वो जीते थे उनको जो पैसा मिलता था वो जीतने पे, तो कैसे वो उससे चिकन खाया करते थे। तो यही जो कारण था जिसकी वजह से ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलर हुआ कि विनर विनर चिकन डिनर, जब भी वो कुछ जीते थे और उनको पैसा मिलता था उससे चिकन खाते थे, तो इससे ये टर्म मिला विच वी कॉल एज विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे पेन के बारे में, जिसको तो आप जानते होंगे और जिसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस चलिए अब उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बारे में थोड़े फैक्ट्स और कैसे आया और क्या क्या थोड़ा दिक्कत थी इसमें भी ये पता चल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस PUBG का सबसे आइकॉनिक वेपन ना तो कोई गन है ना तो कोई स्नाइपर, बल्कि ये है हमारा प्यारा पेन। शुरुआत में जब गेम में रखा गया था इसे, तो इसे के एक हिट से ही एनिमी डायरेक्ट किल हो जाता था। फिर चाहे उसके पास लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 3 की वेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन बाद में इसे चेंज करना पड़ा। गेम में पेन बहुत ही ज़रूरी खास काम कर जाता है कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में, जैसे कि जब हम भाग रहे हैं और कभी कभी हमें वो सेव कर लेता है हमारी HP, वो पेन पर टच हो जाती है गोलियाँ, और रिवाइव करने के टाइम भी कभी कभी सेव कर सकता है। और जब समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें तो तब भी भाई गोली ऐसे चलती रहती तो हमें बचा लेता है कभी कभी पेन। और ब्रेंडन इसको हमेशा यूज़फुल बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और इसलिए क्योंकि वो उनका फेवरेट वेपन है। आपको भी थोड़ा सा शौक हुआ होगा कि उनका फेवरेट वेपन एक पेन ही था, लेकिन गाइस तब भी गाइस ये बहुत ही आइकॉनिक और अच्छा, मेरे को भी बहुत प्यारा लगता है। भाई पेन नहीं होता तो भाई थोड़ा मज़ा नहीं आता यार गेम में। तो गाइस अब है हमारे वीडियो का सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए आप लोग भी अभी तक वेट कर रहे थे, वो है हमारे पबजी के रिकॉर्ड्स। तो गाइस रिकॉर्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं भाई किसी गेम को मतलब डिफाइन करने के लिए। तो गाइस चलिए अब कुछ नज़र डाल लेते हैं अपने रिकॉर्ड्स में जो पबजी वाले आने वाले समय में तोड़े हैं और तोड़ती भी रहेगी जैसे ये चल रही है इतनी तेज़ी से। तो चलिए कुछ आपको मैं बता देता हूँ अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स जो उन्होंने ब्रेक किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइस पबजी जब लॉन्च हुआ था, जब शुरुआत के 2 महीनों के अंदर इसने अपनी 2 मिलियन कॉपीज भी बेच दी, और शुरुआत के 3 दिनों में पबजी ने 11 मिलियन यानी कि 70 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। पबजी सिर्फ 1 साल के अंदर ही दुनिया के टॉप 5 बेस्ट सेलिंग गेम्स के में अपनी तक जगह बना चुका था। और क्योंकि ये गेम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है अपने आने वाले कुछ ही समय में लगता है मेरे को अभी आ भी गए होंगे नंबर 1 पोजीशन पे बन जाएगा, और शायद इसको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल रहेगा। लेकिन गाइस एपेक्स लेजेंड्स जिसको अभी मतलब अभी तो रिसेंटली फोर्टनाइट और इन तीनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन गाइस तब भी पबजी अभी बहुत ही आगे है। और इसका जो मोबाइल वर्जन आया तो प्ले स्टोर के टॉप ग्लोसरिंग पे जब भी आप जाते होंगे तो पबजी का नाम आपको सबसे पहले ही दिख जाता होगा। और 2017 में इसे द मोस्ट कॉन्क्यूरेंट प्लेयर ऑन स्टीम गेम का नया रिकॉर्ड बनाया। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें, जैसे हम मोबाइल के लिए एप्पल या एंड्रॉयड प्ले स्टोर से गेम्स और एप्स डाउनलोड करते हैं, उसी तरह पीसी पर डाउनलोड करने के लिए स्टीम प्ले स्टोर का
यूज करना पड़ता है। तो गाइस बेसिकली ये पीसी का एक प्ले स्टोर होता है जिसपे आप गेम्स एंड एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये भी एक अच्छा सा एक रिकॉर्ड है। और गाइस पबजी एकमात्र ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एक साथ ऑनलाइन होते हैं। इसके पास 1.3 मिलियन प्लेयर्स का एक साथ ऑनलाइन खेलने का रिकॉर्ड है। PUBG गेम में काम करने वाले टीम लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक अच्छा सा फैक्टर है इस PUBG की ग्रोथ के लिए। और स्टार्टिंग में जहां शुरुआत में जब 30 लोग इस गेम को बनाने के लिए काम कर रहे थे, आज अगर इस गेम के लिए 150 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और आई थिंक इवन और भी बढ़ चुके हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे PUBG मोबाइल के अर्निंग एंड रेवेन्यू के बारे में। अब बात करते हैं कि PUBG कैसे पैसे कमाता है और कितने पैसे कमा लेता है। जहां तक मोबाइल वर्जन का सवाल है, PUBG मोबाइल के लिए पूरी तरह से फ्री है। जो PUBG मोबाइल है वो मोबाइल्स के लिए, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए वो एकदम फ्री है, लेकिन पीसी और गेमिंग कंसोल्स के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर खरीदना पड़ेगा पबजी को। और पबजी गेम में आपने नोटिस किया होगा कि दूसरे गेम्स की तरह यहाँ पर कोई भी एड्स नहीं चलाई जाती बीच में, और इससे पैसे बिल्कुल नहीं कमाती एड्स के ज़रिए। ये बस अपने गेमिंग यूनिट्स को बेचकर और इन गेम परचेसेस को लेकर, जैसे रॉयल पास एंड एसेसरी, कॉस्मेटिक एसेसरीज एंड रॉयल पास जैसी चीज़ें रहती हैं उनको बेचकर ही कमाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि इन गेम आइटम्स जो परचेज कोई भी नहीं करता, लेकिन गाइस ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप गेम खेलते रहते हैं तो आपको गेम्स के प्रति मतलब, और गेम्स के जो क्लोथ्स हैं उनके मतलब उनके लिए आपको और मतलब अच्छे लगने लगते हैं, कि जैसे कोई और पहना है तो आपको भी ये क्लोथ्स अच्छे लगने लगेंगे, आउटफिट, और आप भी अच्छे लगने लगेंगे गेम में। तो गाइस इसलिए बहुत सारे लोग, और आप भी कभी ना कभी तो गाइस इन गेम परचेज जरूर करोगे किसी ना किसी क्लोथ्स की। और वैसे भी अब तो ये ट्रेंड ही बन चुका है कि भाई अच्छा दिखना है बिल्कुल कर्रे में, लेकिन गाइस इससे कोई भी स्किल में फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब स्किल आपकी, अगर आपने ये 1000-2000 का आउटफिट खरीद लिया तो आपके भी 2000-4000 आपको एनिमी मार ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको भी उतनी ही हेल्थ, उतना ही डैमेज हर गन पे मिलेगा। तो इसलिए स्किन्स बस वो अट्रैक्टिव दिखने के लिए रहती हैं, और इनमें कोई स्किल्स में कुछ बढ़ावा या इनक्रीज नहीं मिलता है, वरना फिर हम जैसे गरीब लोगों का क्या होता। PUBG की करंट इनकम के बारे में अभी कोई भी डाटा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी 2018 में एक महीने की अर्निंग $103 मिलियन मतलब $103 मिलियन थी, यानी 721 करोड़ केवल एक महीने में। लिटरली गाइस इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस अपनी जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसका बिजनेस कितना तेजी से बढ़ रहा है। सो ये थी आपके फेवरेट और मेरे फेवरेट गेम से जुड़ी कुछ अमेजिंग एंड ज़रूरी बातें। तो गाइस अगर आपसे कोई भी PUBG के बारे में कुछ भी पूछेगा तो मेरे को यकीन है गाइस आप उसे आराम से बता दोगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो गाइस लाइक मार के ज़रूर जाना, इससे मेरे को भाई मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं वीडियो बनाता रहूँ। गाइस मेरे को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होता। और गाइस सब्सक्राइब मारोगे तो गाइस इतना भाई दिल खुश हो जाता है यार, बिल्कुल भाई जब भी वो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना भाई दिल खुश हो जाता है गाइज। और अगर आप कमेंट करोगे तो गाइज मेरे को पढ़ने में भाई, और एक एक को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं, तो गाइज वो पढ़ के भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइज आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। तो गाइज और अगर आप और भाई इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे भाई उनका भी थोड़ा भला हो जाए, भाई जान ले कुछ पबजी के बारे में। बस वो पबजी में थक जा रहा है बंदों को, बिल्कुल कहता ही जहर बना है उनको। तो चलो गाइस अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, और वो भी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, तो गाइस सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए गाइस मैं भी चलता हूँ, और आप भी इस वीडियो को लाइक करके चले जाइए। तो गाइस बाय बाय।